Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे बेहद ही लोकप्रिय भारतीय फिल्में और टीवी सीरियल्स का निर्माण करने वाली कंपनी राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बारे में। राष्ट्रीय प्रोडक्शन हाउस ने भारतीय सिनेमा को कई बड़ी यादगार और सुपरहिट फिल्में दी है, लेकिन ये सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय ने कई बढ़िया सुपरहिट शोज का भी निर्माण किया है। जहाँ पहली बार 1985 में राष्ट्रीय प्रोडक्शन दूरदर्शन पर पेइंग गेस्ट नाम का शो लेकर आया, जिसके लगभग 20 साल बाद यानी 2005 में राष्ट्रीय सहारा वन में एक बेहद ही सक्सेसफुल शो वो रहने वाली महलों की लाया। और इसके बाद तो मानो बैक टू बैक राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने कई हिट और पॉपुलर शोज प्रोड्यूस किए। इनके हर एक शो में लीड एक्टर्स को काफी स्पेशलिटी और खूबसूरती के साथ पेश किया जाता है। वेल दोस्तों, इस वीडियो पे हम आपको रैंकिंग वाइज बताने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट लव्ड लीडिंग लेडीज ऑफ राष्ट्रीय प्रोडक्शन टीवी सीरियल्स। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करेंगे रैंक नंबर 10 से, जहां सीरियल प्यार के दो नाम, एक राधा एक श्याम, जो कि 3 अप्रैल 2006 को स्टार प्लस पर प्रीमियर हुआ था। और इसकी स्टोरी बेस थी राधा नाम की लड़की की जन्मों जन्म से चलती आ रही प्रेम कहानी में, जहां अभिनेत्री बरखा सेन गुप्ता ने राधा के लीडिंग कैरेक्टर को प्ले किया था। जहां हम देखते हैं राधा और श्याम अपनी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए 3 बार जन्म लेते हैं। वेल, ये शो की स्टोरी लोगों को थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी और सो बस 103 एपिसोड्स के साथ ही ऑफ एयर हो गया, पर बरखा इस राधा ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई। वेल दोस्तों, आप चलते हैं रैंक नंबर 9 की ओर, जहां सीरियल मेरे रंग में रंगने वाली, जो कि लाइफ ओके चैनल पर 17 नवंबर 2014 में शुरू हुआ था, जहां शो की लीड कैरेक्टर थी राधा, जिसे प्ले किया था एक्ट्रेस प्रणाली घोगरे ने। जहां हमने देखा मुंबई में रहने वाली लड़की राधा एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनना चाहती है, पर किसी सर्कमस्टेंसेस के वजह से उसकी शादी लीलाधर के साथ हो जाती है, जिससे उसकी अक्सर नोकझोंक हुआ करती थी। और इस अनचाही शादी में कैसे राधा खुद को एडजस्ट करती है, यही शो की कहानी थी, जहाँ राधा के किरदार को और उसकी लीलाधर के साथ जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। तो इस शो के कुल 170 एपिसोड प्रसारित किए गए थे। तो दोस्तों, अब मूव ऑन करेंगे रैंक नंबर 8 की तरफ, जय सीरियल झिलमिल सितारों का आंगन होगा, जो कि अंगना रायचंद नाम की एक रिच फैमिली की बेटी की लाइफ पर आधारित था। जहां अंगना के कैरेक्टर को प्ले किया था एक्ट्रेस श्रिया झा ने, जिसकी शादी होती है आकाश नाम के एक लड़के से, जो कि उसके घर में घर जमाई बन के रहता है और अपने इन-लॉज के दिलों को भी जीतता है। पर सडनली अंगना की लाइफ यू टर्न लेती है और उसके हस्बैंड आकाश की डेथ हो जाती है, और अंगना अपने हस्बैंड के बिन कैसे सरवाइव करती है, यही हमें आगे दिखाया गया। जहाँ श्रिया झा को एज अंगना ऑडियंस ने बहुत पसंद किया, बट मिडवे में उन्होंने ये सीरियल छोड़ दिया और बाद में अलीजा खान ने इस कैरेक्टर को प्ले किया। इस शो के कुल 430 एपिसोड प्रसारित हुए थे। वेल दोस्तों, आप बढ़ेंगे रैंक नंबर 7 की तरफ, जाए सीरियल मैं तेरी परछाई हूँ, जो कि 21 जनवरी 2008 में एनडी टीवी इमेजिन चैनल पर प्रीमियर हुआ था, जिसकी कहानी बेस्ड थी एक टैलेंटेड लड़की आंचल पर, और इसे प्ले किया था एक्ट्रेस मेघा गुप्ता ने। जहां आप देखते आंचल एक घर में 3 बच्चों की ट्यूशन टीचर बनकर आती है और उसे पता चलता है कि इन बच्चों की माँ नहीं है, और इनकी माँ वही औरत है जिसने उसकी मुसीबत में एक समय मदद की थी। तब वो ठान लेती है कि वो इन बच्चों को माँ की कमी महसूस नहीं होने देगी और एक परछाई की तरह हमेशा उनके साथ रहेगी। इस शो की स्टोरी लोगों को काफ़ी पसंद आई थी और मेघा को आंचल के किरदार में ऑडियंस की काफ़ी तारीफें भी मिली थी, जहाँ इस शो के कुल 212 एपिसोड्स आए थे। तो दोस्तों, आप चलते हैं रैंक नंबर 6 की तरफ, जय सीरियल दो हंसों का जोड़ा, जो कि 18 जनवरी 2010 में प्रसारित हुआ था, जहाँ शुभांगी आत्रे ने प्रीति नाम के लीडिंग कैरेक्टर को प्ले किया था। जहाँ प्रीति सपनों की दुनिया में रहती है और उसे लगता है कि उसे फिल्मों की तरह एक गुड लुकिंग पार्टनर मिलेगा, पर इन रियलिटी उसकी शादी सूर्य कमल से होती है, जो कि काफ़ी साधारण होता है लुक्स से, साथ में मिडिल क्लास फैमिली से भी होता है। जहाँ शुरू में तो प्रीति उसके साथ से खुश नहीं रहती, पर धीरे धीरे प्रीति उसे समझने लगती है और उसके साफ और सच्चे मन से उसे प्यार हो जाता है। इस शो का कॉन्सेप्ट ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया था और शुभांगी आत्रेयस प्रीति ऑडियंस को काफ़ी भाई थी। वेल, इस शो के कुल 169 एपिसोड्स प्रसारित किए गए थे। तो दोस्तों, अब मूव ऑन करेंगे रैंक नंबर 5 की ओर, जय सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान, जो कि 19 दिसंबर 2019 से कलर्स टीवी पर प्रीमियर हुआ था। जहाँ शो में दो दो लीड थी, मेघना जिसे प्ले किया था अभिनेत्री संगीता चौहान ने,
तो वही सेकंड लीड नीना के कैरेक्टर में दिखी थी अंकिता शर्मा, जहाँ शो में दोनों बहनों के कैरेक्टर में थी जिन्हें एक सिंगल मदर शारदा ने रेस किया होता है और अपनी माँ से उन्हें समझदारी, स्वाभिमान और लाइफ को इंडिपेंडेंट तरीके से कैसे जीना है ये हुनर मिलता है। और दोनों बहनों की शादी एक ही घर में होती है और ये दोनों बहनें मिलकर हर आने वाली चुनौतियों का सामना डटकर करती है बिना अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए। वेल, नैना और मेघना की बहनों की बॉन्डिंग को ऑडियंस ने काफी पसंद किया और ये शो कुल 205 एपिसोड्स के साथ समाप्त हुआ। वेल दोस्तों, अब आ गए हम रैंक नंबर 4 पर, जहां सीरियल पिया अलबेला जो कि 6 मार्च 2017 को GTV पर प्रीमियर हुआ था, जहाँ शीन दास ने पूजा की लीड कैरेक्टर को प्ले किया था। जहाँ पूजा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है लेकिन वो काफ़ी समझदार, मिलनसार और प्रतिभाशाली होती है। उसके इन्हीं गुणों के वजह से एक रईस आदमी उसे अपने बेटे नरेन के केयर टेकर की नौकरी देता है, जहाँ नरेन एक स्पिरिचुअलिटी में डूबा रहने वाला लड़का होता है जिसे समाज और दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। वो सबसे अलग बस अपनी दुनिया में रहता था, पर जब से पूजा उसकी ज़िंदगी में आती है वो उसे काफ़ी हद तक बदल देती है और उसे एक जिंदा दिल इंसान बना देती है। ये शो मेनका और विश्वामित्र की क्लासिक लव स्टोरी पर आधारित था और व्यूवर्स को इसमें कुछ नया देखने को मिला। और शो की लीड शीन ने पूजा के किरदार से काफ़ी तारीफें बटोरी और शो की लीडिंग जोड़ी पूजा और नरेन को भी दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। ये शो कुल 383 एपिसोड्स के साथ ऑफ एयर हुआ। तो दोस्तों, आप बढ़ते हैं रैंक नंबर 3 की तरफ, जय सीरियल प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, जो कि 18 जून 2012 को स्टार प्लस पर पहली बार प्रसारित हुआ था। जय शो से राष्ट्रीय ने दो नए चेहरे दिशा परमार और नकुल मेहता को टीवी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया। जय शो की कहानी सिंपल सी थी। शो की कहानी बेस्ड थी आदित्य और पंखुड़ी की लव स्टोरी पर, कि कैसे पंखुड़ी आदित्य की लाइफ में आकर उसके बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ती है और उसके लिए एक परफेक्ट पार्टनर साबित होती है। पंखुड़ी का लविंग, केयरिंग एंड हेल्पफुल नेचर व्यूवर्स को बहुत पसंद आया और दिशा और नकुल इस शो से रातों रात स्टार बन गई। वेल, इस शो के कुल 663 एपिसोड्स प्रसारित हुए। तो दोस्तों, अब आ गए हम रैंक नंबर 2 की तरफ, यह सीरियल यहाँ में घर घर खेली, जो कि 17 नवंबर 2009 को ZTV पर प्रीमियर हुआ था, जिसकी कहानी स्वर्ण भवन महल और उसमें पल्ली बड़ी स्वर्ण आभा पर आधारित थी, जहाँ आभा के लीडिंग कैरेक्टर को सुहासी धामी ने निभाया था। जाए शो में हम देखते हैं कैसे एक धोखे के वजह से आभा के पिता को अपना महल बेचना पड़ता है और उस घर को बचाने के लिए आभा वहाँ रुकती है और एक सर्वेंट के जैसे अपने ही घर में काम भी करती है और कैसे अपने भवन को बुरे लोगों के हाथों से छीनती है। यही शो की कहानी थी। इस शो के बाद से सुहासी को घर घर में आभा के नाम से बुलाया जाने लगा और इस शो को कई अवार्ड सेरेमनीज में नॉमिनेट भी किया गया। और ये शो कुल 693 एपिसोड्स के साथ ऑफ एयर होकर सुपरहिट के स्टेटस के साथ दर्शकों को अलविदा किया। तो दोस्तों, फाइनली आते हैं राष्ट्रीय प्रोडक्शन द्वारा बनाया गया नंबर 1 शो वो रहने वाली महलों की पर। ये शो 30 मई 2005 को सहारा 1 में पहली बार प्रसारित हुआ था, जिसकी कमान संभाली थी रीना कपूर ने, जहाँ वो रानी नाम की लीडिंग कैरेक्टर के किरदार में थी, जो कि एक रईस पिता की बड़े से महल में पली बड़ी लड़की होती है। पर किस्मत उसके साथ ऐसा खेल खेलती है कि उसकी शादी राज नाम के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लड़के से हो जाती है, जहाँ उसे अपने ससुराल में जाकर गरीबी की दुनिया देखनी पड़ती है। महलों में पली बड़ी रानी कैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली में एडजस्ट और सर्वाइव करती है, यही इसकी स्टोरी थी। और शो में 2-3 बार जनरेशन लीप भी आया और हर बार रीना कपूर ने शो को लीड किया। शो सुपर सक्सेसफुल रहा और राष्ट्रीय प्रोडक्शन का लॉन्गेस्ट रनिंग शो भी रहा और आज भी सहारा 1 चैनल को वो रहने वाली महलों की सीरियल के लिए याद किया जाता है और रीना कपूर को सहारा 1 का मोस्ट पॉपुलर फेस माना जाता है। ये शो 6 साल तक चला और 1387 एपिसोड्स के साथ दर्शकों को अलविदा कह गया। तो दोस्तों, ये थी राष्ट्रीय प्रोडक्शन की टॉप 10 लीडिंग फेसेस एंड देयर सीरियल्स। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि इनमें से आपका फेवरेट शो कौन सा रहा था और कौन सी लीडिंग एक्ट्रेस आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।